अस्सलाम वालेकुम, इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर हैं। आज हम शकरकंदी के फिंगर चिप्स बना रहे हैं। इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि नज़र के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 2 अदद शकरकंदी ली है, जिसे हमने धो के छील के काट लिया है। लंबाई में हमने यहाँ पर शकरकंदी को काटा है। आप इसके गोल काट के भी चिप्स बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिंगर चिप्स बना रहे हैं शकरकंदी के। शकरकंदी को हमने पानी से निकाल लिया है। अब शकरकंदी को हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम फ्रेंच फ्राइज शामिल करेंगे। मैं अपने बच्चों को शकरकंदी के चिप्स ही बना के देती हूँ, क्योंकि आलू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ को हम धीमी आंच पे पकाएंगे। शकरकंदी को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन कलर की ना हो जाए। फ्रेंच फ्राइज जब आधे पक जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे और बाकी गोल्डन कलर हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। शकरकंदी के फ्रेंच फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। जब तक ये गोल्डन कलर के ना हो जाएं, तब तक इसे पकाएंगे। आप शकरकंदी के गोल वाले चिप्स भी बना सकते हैं। हम बहुत जल्दी आपको शकरकंदी के गोल वाले चिप्स बना के दिखाएंगे। फ्रेंच फ्राइज पे हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है, इसे अभी 2 मिनट और पकाएंगे। फ्रेंच फ्राइज पे गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसी तरीके से शकरकंदी के सारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लेंगे। शकरकंदी के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। शकरकंदी के फ्रेंच फ्राइज पे आप चाट मसाला भी डाल के खा सकते हैं और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इमली की चटनी के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी हम आपको बनाना सिखा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।